नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश क्या बेचे क्या खरीदे में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम पिछले हफ्ते की मार्केट की स्थिति देखें तो एक वॉलेटाइल वीक देखने के लिए मिला। शुरुआत में मार्केट थोड़ा गिरावट के साथ था, लेकिन उसके बाद मार्केट में स्मार्ट रिकवरी भी देखने के लिए मिली। लेकिन अब बात यही है कि फ्राइडे का सेशन किस तरह का देखने के लिए मिला है, तो उसके लिए हम जानते हैं कल का बाजार। कल का बाजार में देखें तो निफ्टी में एक थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली, माइल्डली सेंसेक्स में भी गिरावट देखने के लिए मिली थी, और बाकी सारी इंडिसीज में भी अगर हम देखें तो खास तौर से हमने देखा कि बैंकिंग इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं 25,000 पर थकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी करीब 345 अंक गिरा, सेंसेक्स 176 और निफ्टी 24 अंक गिरकर बंद हुआ। फ्राइडे का सेशन इसी तरह का देखने के लिए मिला। अगर हम देखें तो सेंसेक्स 81,304 के इंट्राडे लो से करीब 131 अंक तक रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार 3 दिन बाजार गिरा है और बैंक निफ्टी 51,200 के नीचे बंद रहा। शरद सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा सर, ये 25,000 का जो निफ्टी का एक लेवल बन गया जिसको निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है पार करने की, ये कितना अहम रहेगा इस पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि हम इस वीक में नई शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारे ग्लोबल क्यूज ज्यादा नहीं होंगे, केवल एक चाइना का क्यू है जो कि हमें मार्केट को एक इंपैक्ट करेगा। देखिए, अभी ये इंपॉर्टेंट है जो चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे तो शंघाई कॉम्पोजिट और इसके अलावा हैंगसेंग में अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट देखने को मिली, ओवरबॉट था पिछले सप्ताह में, लेकिन ये गिरावट बहुत कन्विंसिंग नहीं है। यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट्स हैं, तो हो सकता है दोबारा एक रिकवरी हमें देखने को मिले। और जहां तक आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में वीकली चार्ट पर इंडेक्स कहीं ओवरसोल्ड था और एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, जैसा आप सही कह रहे हैं 25,105-143, ये बेसिकली 25,000 के कॉल राइटर का जोन है जिसको पूरे वीक में छोड़ा नहीं है कॉल राइटर ने, और नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 24,947-966। ये जोन क्या है, ये बेसिकली 25,000 के पुट राइटर का जोन है। तो एक कंसोलिडेटेड आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन एक इंडेक्स में आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। मुझे बुलिशनेस तभी दिखेगी जब 25,105-143 को ऊपर की तरफ काटेगा। जो डिफिकल्ट सिनेरियो देखने को ये मिला कि डिस्पॉन्डेंट फैट की 50% के नीचे एफआई के लॉन्ग आते हुए दिखाई दिए, एफआई ने लॉन्ग कवर नहीं किए, सब्सटेंशियली लॉन्ग कवर नहीं किए हैं, ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा पुल बैक हमें इस वीक में देखने को मिला, एक अच्छा बेस मिल गया है 24,694-763 के आसपास निफ्टी को, काफी गैप है बुल्स, काफी रूम है बुल्स के लिए अपनी पोजिशन लॉन्ग रखने के लिए और एक अच्छा डीप स्टॉप लॉस बना हुआ है। सिमिलरली बैक निफ्टी में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वैसी कुछ परिस्थिति बनी हुई है। अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस सप्लाई जोन सबसे बड़ा आप देखेंगे तो 51,683-784, ये क्या जोन है, 51,500 के कॉल राइटर का जोन है, 51,500 का कॉल राइटर पोजीशन छोड़ नहीं रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो अच्छा बेस बनता हुआ 51,102-51,194, ये जो बेसिकली 200 पॉइंट का ये 100 पॉइंट का जोन है, ये 51,000 के पुट राइटर का जोन है, 51,200-51,100 के पुट राइटर का जोन है, इसको भी इंटैक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है यही एक जोन है जिसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अच्छी बात यह कि 20 एवरेज जो 51,102 के आसपास प्लेस था उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है, तो बैंक निफ्टी में भी काफी रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं कहूंगा इसको मैं, और निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, मैं वीकनेस नहीं कहूंगा। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू इस पूरे सप्ताह में भी बनता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि अब बैंकिंग सेक्टर के भी रिजल्ट्स एक्सिस बैंक के आने शुरू, एक्सिस बैंक से शुरू होंगे, 17 अक्टूबर को एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स होंगे, फिर 19 अक्टूबर, हालांकि वीकेंड रहेगा उस दिन, लेकिन HDFC बैंक और कई कोटेक बैंक जैसे दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स होंगे। सर कैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी में चाल कब तक आएगी और कितनी आएगी? देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद थी कि ये कहीं 51,950 तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जहां 10 वीक जहां 5 वीक एक्सपोनेंशियल लोइंग एवरेज प्लेस्ड है, इस जोन को तोड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पूरा वीक से स्ट्रगल कर गया, वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी हैज सेव्ड स्पेस, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब सिचुएशन है,
तो मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट उसको डिस्काउंट करते हैं तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में स्ट्रेंथ रहती है। तो मुझे लगता है कि 51,909, 51,952 ये जोन जैसे ही विवेक जी टूट जाएगा ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलेगा, फिर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चलना शुरू कर देगा। उस कंडीशन में ही अगर आप लॉन्ग हैं तो आप बिल्कुल लॉन्ग अपना कैरी करें। और अगर 51,102 का ब्रेकडाउन आता है, कन्विंसिंग ब्रेकडाउन आता है, तो थोड़ा सा वीकनेस रहेगी। ये वीकनेस नीचे दोबारा हो सकता है जहां से बुलिशनेस हुई थी 50,194, 283 उस जोन तक खींचते हुए दिखाई दे। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, मुझे लगता है ठीक ठाक रिजल्ट बैंक के अब आने वाले हैं। इस क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जो आरबीआई की कमेंट्री भी थी अगर आप देखेंगे पीसी में, तो उसके अंदर भी काफी चीजें डिस्कस हुई थी और काफी अच्छे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो काफी अच्छी चीजें डिस्कस हुई थी, चले आप मैन्युफैक्चरिंग को देखें, भले आप सर्विसेस को देखें, सभी के पीएमआई के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रूरल कंजम्पशन अच्छा है। तो बिल्कुल मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। बिल्कुल सर, पिछले हफ्ते देखें तो फार्मा, मेटल, मीडिया, आईटी इंडेक्स चढ़े थे और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिली। हालांकि कुछ एक शेयर्स जो कि निफ्टी में टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे, उसमें ट्रेंट, हिंडाल्को, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर थे। साथ ही एमएनएम, टीसीएस, आईसीसीआई बैंक, सिप्ला निफ्टी के टॉप लूजर्स देखने के लिए मिले। टीसीएस के रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में ही कुछ हद तक मुनाफासूदी काउंटर पर देखने के लिए मिली। सर, आपका टेक आईटी काउंटर्स पर, क्योंकि हमने देखा कि टीसीएस जहां पर की नतीजे खराब देखने के लिए मिले, वहीं एचसीएल टेक के अब नतीजे इसी वीक में आने, तो क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आप एक चीज संदीप जी, विवेक जी, एक चीज ध्यान दीजिएगा। यूजुअली जब टीसीएस या इंफोसिस के रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो मिड कैप आईटी पे बड़ा दबाव आता है, लेकिन जी ऐसा है नहीं। इस बार आप देखेंगे तो परसिस्टेंट को लीजिए या एलटीआई माइंड्री लीजिए, एचसीएल टेक लीजिए, यहाँ सभी जगह जबरदस्त स्ट्रेंथ है। तो ये तीनों स्टॉक मेरे फेवरेट रहेंगे। मुझे लगता है इस वीक में अच्छा मूव इसके अंदर दिखाई देगा, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंड्री, एचसीएल टेक, ये तीनों ही जगह पे आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। और अगर आप चौथा स्टॉक प्ले करना चाहें तो केपीआईटी टेक को भी अपने पास रख सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा एक कंसोलिडेशन जोन में है, अगर ये कहीं 1,680 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो ये भी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। तो मैं बिल्कुल आईटी को लेकर के बुलिश हूँ। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर के अभी भी आईटी को प्ले करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूएस में आप देखेंगे तो मोर और लेस, ये आप नैसडैक को देखिए तो मोर और लेस सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। 87% मार्केट पार्टिसिपेंट मान के चल रहे कि नवंबर में शायद कोई कटी ना हो, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर लेकिन धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। वो जो वहां पर यूएस फेड के मीटिंग के मिनट्स है उसमें भी बहुत साफ दिख रहा है। तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहूंगा, सिलेक्टिव, मेजरली आईटी, इसके बाद सिलेक्टिव फार्मा। यहां पर मैं सबसे पहले रेस्पाइट देख रहा हूं, तो यहाँ अच्छी छुपने की जगह बन रही है। बिल्कुल शरद सर, अगर हम देखें तो लास्ट वीक में मेटल काउंटर्स में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने की मिली। हालांकि मेटल का जो मिड टर्म एक हम देखते हैं इंडेक्स, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू चाइना स्टिमुलस की। चाइना में स्टिमुलस की पहले भी बातें हो रही थी और अब भी मिल रहा है, लेकिन अब मेटल को कैसे प्ले करें, क्योंकि मेटल शेयरों में हमने फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी थी, और उसका एक रीजन ये भी था कि एक प्री स्पेकुलेटिव मूव थे कि चाइना में एक जो पैकेज है वो अनाउंस होना है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट था। सर, अब कैसे प्ले करना है मेटल काउंटर्स को, स्पेशली लीडिंग काउंटर्स लाइक सेल, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, नालको जैसे काउंटर? जी, अब देखिए मुझे लगता है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया है मेटल वर्सेस निफ्टी का। जिस दिन थोड़ा भी निफ्टी सब्ड्यूड रहेगा, चाइना में आप शंघाई कॉम्पोजिट में और हैंगसेंग में एक मूव देखेंगे, आपको मेटल चलता हुआ दिखाई देगा। और मेटल भी काफी चल गया है। अगर आप नेशनल इंडियन को देखिए, मुझे याद पड़ता है मैंने 170 रुपए के भाव पे डिस्कस किया था, 222 का टारगेट आ गया, तो इतनी जल्दी आया है। आप देखिए 4 सप्ताह के अंदर ही टारगेट आके गया है। आप देखिए अच्छा मूव आ गया है मेटल के अंदर। मुझे रहता है अगर मेटल में पोजीशन है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर रिकवरी नहीं आती है फॉर विच एवर रीजन,
अगर चाइना में किसी भी तरह के इंडेक्स में कोई रिकवरी थोड़ी सी फेल होती है तो मेटल में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से मेटल में लॉन्ग नहीं, मुझे जमता नहीं है, अब मैं लॉन्ग नहीं लूंगा। मैं बेटर है कि आईटी में या फार्मा में या दूसरे सेक्टर, कैपिटल गुड सेगमेंट देखिए बहुत अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है, वहां पर रिजल्ट डिस्काउंट होंगे तो अब वहां पर प्ले करना ज्यादा ज्यादा अच्छी बात रहेगी। रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ है और रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। जी शरद सर, अगर देखें तो लास्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी भी थी और उसका एक इम्पैक्ट यही था कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। हालांकि अभी आरबीआई ने कोई भी इंटरेस्ट रेट कट करने से तो फिलहाल अपने को दूर ही रखा, लेकिन कुछ बैंकिंग काउंटर्स, क्योंकि हमने पहले भी शो के शुरुआत में भी बात की कि बैंकिंग कंपनियों के नतीजे भी हैं इस हफ्ते से, तो कुछ एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ है आपकी रडार पर जो कि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर आरबीआई रेट कट करेगा, मार्केट एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे कि शायद दिसंबर में एक रेट कट होगा, तो फॉर ए लॉन्गर टर्म पीरियड की आपको लगता है कि कोई बैंकिंग काउंटर है जो कि आपकी रडार पर हो? देखिए मैं बिल्कुल, अगर अगर मुझे आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो मैं बिल्कुल पीएसयू बैंक्स की तरफ ज्यादा जाना चाहूंगा, स्टेट बैंक के। सबसे पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं देखना चाहूंगा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मुझे लगता है रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जरूर मैं ध्यान रखना चाहता हूँ, ये मेरे सबसे बड़े फेवरेट रहेंगे। इसके बाद तीसरा प्राइवेट बैंक में मैं आईसीआईसीआई बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस को मैं सेकंड फिडल में रखूंगा। तो ये तीन बैंक है जहां पर मैं जरूर, मुझे लगता है भविष्य में अच्छी रह सकती है। जी अगर लास्ट वीक देखें तो एनएससी पर 1480 चढ़ने वालों के मुकाबले 1287 शेयर गिरे, मिड कैप इंडेक्स भी 276 अंक चढ़ा, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। लेकिन सर क्या कुछ लगता है, क्योंकि हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में बंधन बैंक, बीएससी, इन जैसे काउंटर्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। बंधन बैंक में एमडीएन नए सीईओ आए हैं, उसका एक इम्पैक्ट हमने काउंटर पर देखा, काउंटर 209 के आसपास आकर बंद हुआ। बीएससी पर भी अच्छी स्ट्रेंथ थी, हालांकि इनकी जो वीकली एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं केवल सेंसेक्स में ही ये ट्रेड कर पाएंगे नवंबर मिड से, ये इंडेक्स बाकी जो उनके इंडेक्स चल रहे थे वीकली वाले वो बंद हो जाएंगे। एनएससी को भी इसी तरह का सर्कुलर मिला था, वो भी अब केवल निफ्टी में ही ट्रेड करा पाएंगे। सर कैसे देख रहे हैं बंधन बैंक और बीएससी? तो देखिए सबसे पहले तो मैं बोल दूं, अगर इंडेक्स में एक्सपायरी कम हो जाएगी और जब कभी फरवरी के बाद से आप देखेंगे लॉट साइज में चेंज होता है या मार्जिन में चेंज होता है, आप ब्रॉडर मार्केट में कैश सेगमेंट में आप ज्यादा ट्रेडिंग देखेंगे तो कैश सेगमेंट में आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसका सीधा फायदा बीएससी को मिल रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर आप देखिए बीएससी में एक जबरदस्त मूव है और मुझे लगता है कि जिस तरह की रैली अभी चल रही, थोड़ी सी ओवरबॉट है लेकिन अभी भी मुझे लगता है 5,000-5,500 तक स्टॉक जाने की ताकत रखता है। बंधन बैंक को मैं अभी बुलिश कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। 215-220 का जोन जिस दिन बंधन बैंक तोड़ देगा ऊपर की तरफ, सस्टेन करेगा, तब यहां से आपको एक बुलिश मूव मिलेगा। ये आपको करीब करीब आप मानिए कि 260 के जोन तक लेकर के जाएगा सबसे पहले, तो उस जोन को टूटने के बाद ही मैं बंधन बैंक में बुलिश रहूंगा। हाँ एक जगह मैं जरूर आपको ले जाना चाहूंगा, अगर आप अभी अभी ध्यान दें तो देखिए मुथूट के अंदर एक अच्छा मूव बनने लगा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आरबीआई ने इस तरह के स्टेटमेंट जारी किए हैं। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सा आरबीआई कॉशियस है, लेकिन मुथूट आप देखिए अब इस सप्ताह में बहुत अच्छा 1860 के पास बेस बना करके दोबारा सेटल कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बुलिशनेस दोबारा बन सकती है। वीकली चार्ट पर ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है, ये एक बुलिश टेरिटरी में दोबारा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये तो पिछले वीक की बात रही है जिसमें कुछ काउंटर्स ने मूव दिखाया, लेकिन अब बात करते हैं आज की वीक की, क्योंकि आज की और पूरे इस हफ्ते की तो तैयारी करते हैं आज की। हफ्ते के पहले दिन कैसे मनाए रणनीति, क्या हो आज की तैयारी? शरद सर, रुपए की गिरावट से हमने देखा कि फार्मा और आईटी सेक्टर में हमेशा फायदा मिलता हुआ आया। सर कोई काउंटर्स हैं जो आपको लगता है कि कितना फायदा मिलेगा इन सभी काउंटर को? तो देखिए अब मैंने आपको आईटी, अभी आईटी में काउंटर्स गिना है, एलटीआई माइंडट्री है, परसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है, एचसीएल टेक है, इसके अलावा केपीआईटी टेक है, ये सारे स्टॉक। और एलटीआई माइंडट्री मैंने आपको डिस्कस किया था, और टेक महिंद्रा का भी मैंने दिया था एक ब्रेकआउट के बाद, उसमें प्ले आप कर सकते हैं। अगर आप
फार्मा को भी देखें, यहाँ भी बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ बनी हुई है। इपका को देखें आप, इपका लैब डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को नीचे के भाव पे रिकमेंडेड है। डिवीज लैब देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। रेन्यूज पे मुझे लगता है अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर की तरफ, अच्छा प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पर कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स है जहां पर बहुत अच्छा काफी चला भी है, लेकिन अभी भी ऐसे स्टॉक्स है जहां पर कि मुझे लगता है इस सप्ताह में भी बहुत अच्छी वो आपको दिखाई देंगे। जी, एक इम्पॉर्टेंट खबर, जब रतन टाटा जी की डेथ लास्ट वीक हुई, उसके बाद यही माना जा रहा था कि टाटा समूह को अब कौन देखेगा, तो नोएल टाटा की एज एन चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के लिए नियुक्ति हो गई है। सर, कैसे देख रहे हैं टाटा शेयरों को, क्योंकि अब फैमिली से ही एक व्यक्ति होंगे जो कि टाटा ट्रस्ट को चलाएंगे, पूरे टाटा समूह को देखने की कोशिश करेंगे, तो जो एक मार्केट में फियर थोड़ा सा प्रिवेल होने की कोशिश कर रहा था कि टाटा समूह का आगे क्या होगा, तो फिलहाल एक उनको उत्तराधिकारी मिल गया है। कैसे देखें सर टाटा शेयरों को? तो देखिए जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जब रतन टाटा जी भी बने थे चेयरमैन टाटा टाटा सन्स के, तो 30 साल उन्होंने टाटा ग्रुप में काम पहले किया था, 1960 से 1990 तक। सिमिलरली अब नोएल टाटा को भी आप देखेंगे जो उनके कजन ब्रदर हैं, तो उन्होंने भी काफी लंबा काफी कंपनीज के बोर्ड में ऑलरेडी वो हैं, तो उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। नाउ अब क्या होता है, मैनेजमेंट स्टाइल सभी की अलग होती है, और लेकिन कंपनीज मोर और लेस वेल प्लेस्ड है। अगर आप पूरा टाटा ग्रुप को देखें तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है सारी ही कंपनीज में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है। और विच एवर भी आप देखें तो इस वक्त टाटा ग्रुप की बहुत ज्यादा कंपनीज प्रॉफिटेबल है और अच्छा अच्छा ट्रेजेक्ट्री है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल जैसे अभी ग्रोथ आ रही है वैसे आने वाले समय में भी बनी रहेगी। जी सर, त्योहारी सीजन में FMCG कंपनियों में क्या चमक लौट पाएगी? जी तो देखिए एफएमसीजी चला बहुत है, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट बात देखिए, काफी एक अच्छा ट्रैक्शन एफएमसीजी में रहा है। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऊपर की तरफ ट्रैक्शन बना रहेगा, एक अभी गिरावट है, तो इस गिरावट में मुझे लगता है खरीदारी का मौका बिल्कुल आपको मिल रहा है। आप वहां पर बिल्कुल अगर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर एंट्री ली जाए, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा गिरावट पे आपको खरीदारी का मौका बनेगा। काफी स्टॉक गोदरेज को देखे या आप एचयूएल को देखे तो यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन हो गया पिछले कई सप्ताह 4-5 सप्ताह के अंदर, तो मुझे लगता है बिल्कुल धीरे धीरे करके सब अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पास सस्टेन कर जाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा वहीं फॉलो कर जाती है जहां पर थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलती है। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा बेस बनेगा, दोबारा आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। अगर इसमें से आप फेवरेट काउंटर्स को डिस्कशन कीजिए तो मैं यूनाइटेड स्पिरिट को सबसे ऊपर रखता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके अलावा अगर आप गुडफ्रे फिलिप को देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा बेस बना हुआ है, ये स्टॉक्स ग्रेजुअली दोबारा 8500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। शरद सर, काफी सवाल मिलते हैं रेलवे काउंटर्स पर, RVNL, इरकॉन जैसे काउंटर पर, सर रेलवे शेयरों में खरीदारी करें या अभी भी रुकें? जी तो देखिए बिल्कुल अगर जिस मैं आपको बताऊं, एक अब क्या है यहाँ पर रिजल्ट्स डिस्काउंट होना शुरू हो गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर आप इरकॉन को देखें या आप कंटेनर कॉर्पोरेशन को देखें, IRFC को देखें, तो सभी आपने देखिए मोर और लेस 50 एक्सपेंशन वो भी एवरेज के आसी पास या उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और सभी का एक बेस बन रहा है। इसमें BEML को देखिए 50 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सारे रेंज बाउंड है, मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। देखिए BEML 3600 से 4300 के जोन में ट्रेड करेगा, अभी भाव है 4790 के आसपास, तो 3600 के पास अपना स्टॉप लॉस लगाइए, 4300 के ऊपर चलेगा तब बुलिशनेस आएगी। IRFC को आप देखिए तो एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 140 के पास, लेकिन बहुत ज्यादा चलेगा तो 175 175 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आप बुलिश होइएगा। सिमिलरली कंटेनर कॉर्पोरेशन देखिए बेस बना है 860 के आसपास, लेकिन बुलिश नहीं है, 930 सी मैक्सिमम, 930 के ऊपर चलना शुरू करेगा तब थोड़ा बुलिशनेस आती हुई दिखाई देगी। अगर आप इरकॉन को देखें तो अच्छा बेस है 200 रुपए के ऊपर, यहाँ पर मुझे लगता है 240 से 260 का मूव बिल्कुल पॉसिबल है, उसके ऊपर जाएगा तो जरूर मैं बुलिश हो जाऊंगा, तो इरकॉन इन सब में सबसे अच्छा है। RCTC को देखा तो यहाँ पर भी एक बेस है 850 के पास, धीरे धीरे ये 950 की तरफ चलना शुरू करेगा, तो यहाँ पर भी आप एक बार बुलिश हो सकते हैं। रेल विकास को देखिए जैसे ये 510 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा रेल विकास के अंदर, ये बुलिश हो जाएगा, फिर एक बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ देगा 643 750, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। BEL देखिए अच्छा बेस बना गया है 285 280 के आसपास, धीरे धीरे करके हो सकता है ये चलना शुरू करे। टीटागढ़ अभी भी नेगेटिव है, जब तक ये
किसी भी एक सप्ताह को ग्रीन में क्लोज ना करे, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ ज्यादा ताकत अभी है। शरद सर, लास्ट क्वेश्चन, इस हफ्ते किन शेयर या सेक्टर्स में कमाई हो सकती है? ये तो देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरा मैं स्ट्यूट रहूंगा आईटी की तरफ और फार्मा की तरफ, थोड़ा कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया, अगर मुझे क्लोजर मिल जाता 24380 के ऊपर निफ्टी में, और इसके बाद जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि 51900 के ऊपर मुझे क्लोजर मिल जाता, मैं थोड़ा खुश हो जाता। इसके बाद मैं अक्रॉस द मार्केट प्ले करता, लेकिन मैं बहुत ही सिलेक्टिव हूँ स्टॉक्स के अंदर, और जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है मैं वही अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहा हूँ। तो दो स्टॉक्स है जहां मुझे लगता है बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। ओवरऑल रियलिटी में देखिए एक अच्छा बिल्डअप है, मुझे लगता है ये अच्छा बेस बना गया है 1760 1790 के आसपास, धीरे धीरे 2000 2130 तक के भाव इसमें आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ग्रेन्यूज में देखिए एक बार अच्छा बेस बन गया 550 रुपए के आसपास, ये धीरे धीरे आपको 635 और 700 रुपए की जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। तो बाजार की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज नतीजे होंगे। उसके साथ ही एंजल वन, स्टर्लिंग एंड विल्सन, रिन्यूएबल एनर्जी, आलोक इंडस्ट्रीज और ओरियंट होटल जैसी कंपनीज के नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों में रेवेन्यूज में जंप देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 10% की गिरावट एस्टिमेटेड है, क्योंकि कंपनी के जो तेल गैस बिजनेस है वहां पर थोड़े से रिफाइनिंग मार्जिन पर श्रिंकेज आ सकती है। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट आज जो आपकी कॉल आपने बताई है उनसे हमारे दर्शकों को पूरी तरह से लाभ हो और फायदा हो और काफी अच्छा बीक रहे ये सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं आज के लिए, सप्ताह के लिए। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया। नमस्कार।